स्वागत उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान पंचायत समिति के प्रधान हनुमान जी कासनिया साहब, पीसीसी सदस्य कैलाश जी निखारवाल साहब, पीसीसी सदस्य शौकत खान जी, पीसीसी सदस्य परताराम बेंदा साहब, मीठड़ी सरपंच बाजारी साहब, पूर्व जिला परिषद सदस्य पन्नालाल जी भामू साहब, जानू साहब पूर्व सरपंच कलवाणी, पंचायत समिति सदस्य सरवण जी कोड़ी साहब, पूर्व सरपंच महावीर जी पारिक साहब, छात्र नेता युवा छोटे भाई शुभम रेवार जी, सरपंच सावर जी, आज जी ठेकेदार साहब, सरपंच रायधना रामधन जी, आपके यहाँ के सरपंच छोटे भाई नीरज जी, उप सरपंच बेड़ा साहब, सरपंच संघ के अध्यक्ष बेगराज जी पूनिया साहब, बिडासरी सरपंच भाई राजेंद्र जी मंत्री साहब, चंद्राई सरपंच साहब, ढींगसिंह सरपंच साहब, मंच पर विराजमान फिरवासी सरपंच गढ़वाल साहब, भाई गोविंद जी, मंच पर विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे सामने विराजमान ग्राम ढावा और आसपास से पधारे सभी बड़े बुजुर्ग माताएं बहने और युवा साथी, सबसे पहले मैं समस्त ग्रामवासियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा कि बहुत ही शानदार एक स्वागत और कार्यक्रम आपने आज इस ढावा गांव में रखा और इस स्वागत और इस कार्यक्रम से यह साबित होता है कि अगर आप सच्चे मन से और लोगों के लिए अगर काम करते हो, उनकी समस्याओं को सुनते हो, तो जनता कभी भी एक तो कुछ करे बिना देती नहीं है और जो कुछ करता है उसका अपने पास नहीं रखती। ये बात इस आज प्रोग्राम से साबित हुई है। मैं सभी ग्रामवासियों का, सरपंच साहब का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे लेवल का कार्यक्रम आज आपने इस गांव में रखा। सरपंच साहब ने शुरू में अपनी बातें रखी, इन्होंने कहा कि युवा सरपंच बने, युवा पार्षद बने, और जब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा था 30 साल की उम्र में पार्टी ने टिकट दिया और जो भरोसा आप लोगों ने मेरे पे किया, उसी तरह से जो युवा थे बिना राजनीतिक परिवार के, जो युवा साथी थे, चाहे नगर पालिका में पार्षद हो, चाहे आपके यहाँ सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, सभी लोग, उन लोगों को मौका मिला क्योंकि आपको लगा कि जब एक 30 साल का नौजवान आपका विधायक बन सकता है तो 23-25-27 साल के सरपंच और पंचायत समिति सदस्य क्यों नहीं बन सकते। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि किसी भी अमूमन राजनीति में यह होता है कि जब नए बच्चे, नए लड़के राजनीति में आते हैं तो बुजुर्गों के और उनके बीच टकराव होता है, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि सभी गांवों में चुनाव के बाद अब भी जाना हो रहा है, इससे पहले भी कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, कहीं भी युवा और बुजुर्गों के बीच टकराव नहीं है। सभी युवा साथी जितने भी जनप्रतिनिधि बने हैं वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और गाँव का विकास जिस तरह से अभी आपके सरपंच साहब ने गिनवाया, तो बहुत से काम ऐसे हैं कि जब मुझे लगा कि अगर जो जनप्रतिनिधि आपने चुनकर भेजे हैं तो उन पर भरोसा करना चाहिए, आप जो काम मांगने आ रहे हो उन पर भरोसा करना चाहिए। 5 साल में जो काम आप लोगों ने मांगे वो मैंने दिए और जब अब हिसाब कर रहा हूँ तो मुझे संतुष्टि है कि हर गांव में एक संतोषप्रद काम आप लोगों का हुआ है। चाहे इससे पहले बिडासरी में हमने कार्यक्रम किया, कल परसों रायधना में हमारा कार्यक्रम था, मीठड़ी में कार्यक्रम था, और रोज जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो एक अच्छे मन से आप लोगों ने, आपके जनप्रतिनिधियों ने जो काम किए उसी के बदौलत आज हर गांव में ये काम देखने को मिल रहे हैं। मैं कहते हुए खुशी है कि अभी पीटीआई जी का जैसे यहाँ स्वागत हो रहा था तो
उस दिन ये लिखवाने आए मेरे से कि साहब एक जावा में हमें एग्रीकल्चर चाहिए, और आज इस मंच पे खड़ा हूँ, मुझे कहते हुए खुशी है कि पूरी तहसील में एक ही एग्रीकल्चर विषय हमें मिला और वो जावा में। इसके अलावा बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट गांव के बीच में, एक सुंदर पार्क आपने बनाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली, उसके अलावा चाहे कक्षों का काम हो, आपके यहाँ सड़क का काम हो, आपके यहाँ की डाली में चाहे टंकी के निर्माण का काम हो और पाइपलाइन का काम हो, ये सब काम ऐसे हैं कि एक लंबे समय से जो आप लोगों के वंचित थे वो काम हुए। मैं आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि पिछले पौने पाँच साल में 2 महीने बाद चुनाव है, हमने पूरी लगन से ये काम किए, चाहे बीच में 2 साल कोरोना की आई, फिर भी उस कोरोना काल में भी आपके चाहे हॉस्पिटलों को संभालना हो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो बाहर फंस गए राजस्थान से बाहर और कहीं, उनको बाहर से लाने का काम हो, उसमें युवा टीम ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लिया। आज पुनः चुनाव है, ये जो बेल्ट बीठड़ी ब्लॉक का है, यहाँ बाजारी साहब बैठे हैं, एक लंबे समय से आप लोगों की मांग थी कि उप तहसील खुले, और हमने परसों ही नायब तहसीलदार जी को वहाँ मीठड़ी में ज्वाइन करवाया है। तो एक बड़े जो काम थे आप लोगों के, एक काम आपका रह गया, वो मैंने विधानसभा में भी बार बार उठाया कि एक पीएचसी और मेरा मन था कि देवा गांव में खुले, लेकिन वो इन्हीं कारणों से वो नहीं खुल पाई, उसके लिए हम प्रयासरत थे और आगे भी रहेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग मिला और जिस तरह से चाहे ब्लॉक स्तर पर आज आप महिला महाविद्यालय बन रहे हैं, कॉलेज शुरू हो चुका है, बच्चियां हमारी वहाँ एडमिशन ले रही है, एडीजे कोर्ट हो, डिप्टी ऑफिस हो, हर छोटे छोटे काम जो ये लाडलू कस्बा लाडलू विधानसभा जो जिन कामों से लंबे समय से वंचित थे, वो इन 5 सालों में हमने काम करने का प्रयास किया। और आप लोगों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जिस मजबूती से आप लोग हैं, उसी मजबूती से अगर साथ रहोगे तो आने वाला चुनाव भाजपा का यहाँ खाता खुलने वाला नहीं है, हर गांव में जाने और काम करेगा। और जिस तरह से आज इनके नेता भाषा बोलने लगे हैं, जैसे जैसे चुनाव आएगा ये भाषा और बिगड़ेगी, एक संसद में किस तरह की भाषा बोलता है उस सांसद को राजस्थान में ये आकर अपनी जिम्मेदारी दे देते हैं। और इनके काम को हमें समझना पड़ेगा, पहले मुस्लिमों का विरोध किया, फिर चाहे 2 अक्टूबर को SC ST पे इन्होंने चाहे लाठी चार्ज किया हो, और उसके बाद जो किसानों के 70-72 लोग उस बॉर्डर पर मर गए, लेकिन एक जून तक इन लोगों को नहीं रहेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टियों में फर्क हम लोगों को करना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी आज कांग्रेस है, उसकी योजना ये बनती है कि पहले पैसा नीचे के आदमी का, लास्ट जो तबका है उस तक जाए और फिर ऊपर के लोगों के लिए योजनाएं बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले कहती है कि सेठ साहूकार जो बड़े उद्योगपति है उनका पेट भरो और फिर नीचे पैसा बचे तो नीचे भेजो, लेकिन उनका पेट भरने वाला नहीं है। कोई भी योजना ऐसी राजस्थान सरकार की नहीं है कि जिसने गरीब को, आम आदमी को राहत नहीं दी हो, उसमें चाहे कर्मचारी यहाँ बैठे बड़ी संख्या में लाडलू तहसील में, चाहे OPS हो, उसके अलावा चिरंजीवी में आज एक छोटी सी बीमारी हो जाती थी तो परेशान होते थे कि ऑपरेशन कब करवाएं, कहां से पैसा उधार लाएं, और जब तक या तो हमारा आदमी चला जाता था और या हम इलाज में उस कर्जे में आ जाते थे। तो ये सब काम आप लोगों को सोचने पड़ेंगे कि कौन आज सिर्फ वोट के लिए राजनीति करने आप लोगों के बीच आएगा और कौन आप लोगों के बीच 5 साल रह के। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि आदमी को अगर अपनी राजनीति चमकानी है तो वो ना तो किसी पे चला के या दादागिरी से या अपने पद का दुरुपयोग करके चला सकता है। मैं ये समझता हूँ कि आदमी को अगर अपनी राजनीति चमकानी है तो लोगों की सेवा करो और लोग जो आपको मदद करेंगे। तो ये सब बातें आप लोगों के बीच हम इसलिए रख रहे हैं कि आने सामने चुनाव है, आप एक बार आत्मा पे हाथ रखकर ये सोचना कि 5 साल अगर मैं आप लोगों के बीच रहा और आपने जो पिछली बार वोट दिया अगर उसको मैंने लज्जित नहीं किया और आप लोगों के चाहे विकास के काम हो, सुख दुख के काम हो, आपके मान सम्मान में अगर मैं खड़ा रहा तो वोट मुझे देना, अगर कहीं कमी रही हो 1% भी, नहीं तो राज का काम है विधायक बनने के बाद
कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां रह जाती है। और जो भी भाजपा के लोग आए आरोप लगाने के लिए, अगर वो एक आरोप साबित कर दें तो मैं कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं, आप सब मुझे जगह छोड़ूंगा। लेकिन अनर्गल आरोप, अगर वो आरोप साबित नहीं कर पाए तो आप लोग उनसे सवाल जवाब जरूर करना, ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। कुछ लोग वोट बांटने के लिए भी आएंगे, उनसे ये पूछना कि भाई जब 5 साल आप यहाँ रहे नहीं, कमरों में रहे, यहाँ से बाहर रहे, जब चुनाव आ गया, आज वो आप लोगों की सेवा करते, आप लोगों के बीच रहते और आप भी कह देते कि भाई तू हम लोगों के उस वादों पे खरा नहीं उतरा, हम नए आदमी को चुनाव लड़ाएंगे, तो मैं भी उसके लिए तैयार था। लेकिन जो लोग आपके बीच नहीं रहे, जिन लोगों ने 5 साल आपको संभाला नहीं, उन लोगों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। उन लोगों से सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, वो अपने फायदे के लिए आप लोगों के वोट को खराब ना करें, हम लोगों को आपस में बांटे नहीं, इस बात का विशेष तौर पर हम लोगों को ध्यान रखना है। एक बार पुनः सभी ग्रामवासियों का, सरपंच साहब का, उप सरपंच साहब का, जनप्रतिनिधि जो आसपास से पधारे, उन सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।